कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के विवाद में नया मोड़ आ गया है। ऋतिक ने उनके जो ईमेल रिवील किए हैं कथित तौर पर उनमें से एक में कंगना ने यह बात स्वीकार की है कि उन्होंने रणबीर कपूर से उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए कहा था, लेकिन रणबीर उनके साथ फुल टाइम रिलेशनशिप चाहते थे। कंगना ने इन ईमेल्स में सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि कैसे रणबीर कपूर ने उन्हें अटेंशन देना शुरू किया। क्वीन से पहले रणबीर नहीं देते थे भाव। डैश कंगना के सो कॉल्ड ईमेल्स की माने तो क्वीन 2014 की सक्सेस से पहले रणबीर ने कभी उन्हें कोई अटेंशन नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने फैंटम प्रोड्यूसर डायरेक्टर विकास बहल का प्रोडक्शन हाउस में क्वीन के फुटेज देखे तो कंगना को BBM पर अप्रोच किया और वीडियोज और दूसरे रैंडम स्टफ की फंकी लिंक शेयर करने लगे। रणबीर ने की थी पहल। डैश कंगना ने सो कॉल्ड ईमेल्स में लिखा है, जब मैं ग्वालियर में रिवॉल्वर रानी की शूटिंग कर रही थी तब रणबीर ने मुझे सीधे अप्रोच किया और इसके जवाब में मैंने उनसे कहा कि मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ और जब से तुम मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हुए हो तभी से हम दोनों के बीच टेंशन चल रही है। मैं पूरे समय कुछ विचलित रहती हूँ। मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया था लेकिन सोचा था कि अगर मैं इस बारे में उसे बताऊंगी तो वे बेहतर तरीके से समझेगा। न्यूयॉर्क में कंगना ने दिया था रणबीर को फिजिकल रिलेशनशिप का ऑफर। डैश कंगना के ईमेल्स में यह खुलासा भी हुआ है कि जब वे न्यूयॉर्क में थी तब रणबीर से उनकी मैसेजेस में बात हुई थी। रणबीर ने पूछा था न्यूयॉर्क में क्या चल रहा है। बकॉल कंगना, मैंने उनसे कहा कि क्या तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्टेड हो। उन्होंने थोड़ा सा समय लिया और बोले कि क्यों नहीं दोनों रेगुलर रिलेशनशिप में आ जाते। तब मैंने कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूं और मुझे लगता है कि यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। दीपिका पर भी कंगना ने निकाली भड़ास। डैश रिवील किए गए सो कॉल्ड ईमेल्स में एक जगह कंगना ने दीपिका पर भी भड़ास निकाली है। बात फिल्म क्वीन की सक्सेस के वक्त की है। कंगना ने लिखा है, हालांकि मैं जानती थी कि दीपिका कॉल नहीं करेगी क्योंकि 4 दिन से यह सब चल रहा था, लेकिन सच्चाई यह भी है कि मेरे दिमाग में हलचल थी कि वे कुछ कहेगी या नहीं। इसने मुझे विचलित करके रख दिया था। मुझे पता था कि मैं अपने डिसऑर्डर की वजह से छोटी छोटी सी बातों को भी गंभीरता से ले लेती हूँ, लेकिन मुझे यह बुरा लग रहा था कि दीपिका बेमतलब की बातें कर रही हैं। मैं सोच रही थी कि क्या वे वाकई ऐसा कर रही है या फिर मैं ही हमेशा उसके व्यवहार को गलत महसूस करती हूँ। डैश गौरतलब है कि दीपिका पादुकोण ने क्वीन के लिए कंगना को बधाई नहीं दी थी, लेकिन 2014 में जब एक अवार्ड सेरेमनी के दौरान उन्हें हैप्पी न्यू ईयर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया तो उन्होंने अपना यह अवार्ड कंगना को डेडिकेट कर दिया। चूंकि कंगना नेशनल अवार्ड्स को छोड़कर बाकी सेरेमनीज में जाना पसंद नहीं करती, इसलिए जब उन्हें दीपिका द्वारा उन्हें अवार्ड डेडिकेट करने वाली बात पता चली तो वे नाराज हो गईं। खैर, अब कंगना और दीपिका के बीच कोई मतभेद नहीं है। वे दोस्तों की तरह टाइम स्पेंड करती देखी जा सकती हैं।